अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको फिर से खुश आमदीद करती हूँ अपने चैनल में कशफ ज़ारा ब्लॉग में। मैं आज कशफ आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कुछ। मेरे ब्लॉग तो आप रोज़ ही देखते रहते हैं, तो चलें तो हम आज आपके साथ कुछ डिस्कस करते हैं। क्योंकि आज मैं जो मेरी वीडियो का मौजू है वो है दूध और खजूर के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं गाजर के हलवे का, खजूर का, इंजीर का, उबले हुए अंडों का। इस तरह से प्यारे व्यूअर्स, दूध ऐसी गिज़ा है जिसका जिक्र कुरान और हदीस में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मवेशियों में भी तुम्हारे लिए सबब मौजूद है, मतलब खालिस दूध। माहरीन तिब का कहना है दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए, बी 12, अमीनो एसिड, सोडियम और दीगर खसूसियत शामिल हैं जो जिस्म को तवानाई बख्शने में अहम किरदार अदा करता है। और बाज़ लोगों का ये कहना है कि रात को दूध पीना चाहिए, जबकि माहरीन का कहना है सुबह एक कप दूध पीना चाहिए। ये सुकून के लिए बहुत अहम है, सुस्ती को ये दूर करता है। माहरीन की ज़ेहत के मुताबिक दूध में ऐसे अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो पुरसकून नींद देते हैं। दूध हार्मोन्स को भी बढ़ाता है। दूध में कैल्शियम पाया जाता है, हड्डियां ताकतवर इससे मजबूत होती है। इसलिए मैंने दूध को एक कप दूध को रात को मैंने भिगा, उसमें चार खजूरें भिगो के रख दी और नेक्स्ट सुबह मैंने उसका बनाया आपके सामने जूस, और जूस बनाने के बाद वो मैंने पी लिया। सर्दियों में वैसे भी ये ताकतवर है। और जहाँ तक खजूर के बारे में बात करें, तो यानी खजूर, मेरा कशफ का तो यही कहना है कि इसमें जहर से शिफा है। खजूर में कैरोटीन पाया जाता है जो जिसे में पहुंचकर विटामिन ए में बदल जाता है। खजूर में विटामिन बी, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, तीनों मादनी नमकियात काफ़ी मकदार में पाए जाते हैं। एक पाव खजूर के अंदर 800 कैलोरीज हासिल होते हैं। खैर, यहाँ पर बात को मुख्तसर करती हूँ कि ये गलाजत और कब्ज़ को साफ करता है। खजूर खाकर जल्दी पानी नहीं पीना चाहिए यार, इससे हाजमा खराब हो जाएगा। जुगल चलकर आपको कहना है कि कुछ ये कर दे दिया। जुमले पतले अफराद के लिए बहुत मुफीद है, मसलन मेरे लिए आधा किलो दूध में चार खजूर रोजाना उबाल कर पी लें। आधा किलो यार अवेलेबल नहीं तो आप एक कप भी डाल सकते हैं। हाँ, अगर आपके साथ पास दूध अवेलेबल नहीं तो एक गिलास पानी और चार खजूरें रात को भिगो कर रख दें, सुबह निहार मुँह पिए, ग्रैंड करके पी लें या हाथों के साथ रेशे रेशे करके पी लें। खजूर दियारे रसूल का तोहफा भी है। खजूर मकड़ी की सह, खजूर मैदे के लिए बेस्ट है और जी थकान को भी ये दूर करेगा। और एक नोट मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि अगर दूध किसी के पास नहीं तो एक गिलास पानी, जैसे मैंने कहा कि आप उसमें डालकर पी सकते हैं, लेकिन सुबह मुँह निहार पीना है, ताज़ा बनाकर पीना है, क्योंकि 12 घंटे बाद इसकी तासीर चेंज हो जाती है। क्योंकि मैंने खुद तिरमिज़ी में आलिया क्लास में तिरमिज़ी है, उसमें पूरा चैप्टर मैंने खजूर पे पढ़ा था। और पहले ज़माने के लोग शराब जो है खजूर से बनाते थे, वो किस तरह बनाते थे, रात को भिगो के रख देते थे, जब वो अपनी तासीर बदल देता था तो उसमें मतलब उससे नींद तारी होने का नशा, या इस तरह से शराब के बारे में ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन यह इससे शराब बनता था। इन सर्दियों में और खजूर को यूज़ करने के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगी। ये जो है दूध और खजूर दोनों में कैलोरीज, विटामिन्स वगैरह पाए जाते भरपूर मकदार में। 800 कैलोरीज आपके सामने मैंने शेयर किया कि इसमें पाए जाते हैं और दूध में। और उसके बाद मैंने आपके साथ शेयर किया कि इसमें खजूर में भी पाए जाते हैं इतने विटामिन्स, तो ये भी चौका चौबंद रहने के लिए काफ़ी है। जब सुबह आप पियेंगे सारा दिन चौका चौबंद रहेंगे और कशफ को देंगे दुआएं। एक हफ्ते से मैं ये यूज़ कर रही हूँ, घर में करवा भी रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, तो सोचा क्यों ना आपके साथ मैं शेयर कर लूँ। मेरे बहुत पहले मैंने व्लॉगिंग चैनल बनाया, उनको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, चाहने वालों का ख्याल रखिएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और जी, कशफ का मतलब है जहर करना, इल्हाम खुलना खुलता हुआ कशफ। ओके, दुआ में याद रखिएगा कशफ को। थैंक यू फॉर वाचिंग।